हेलो गाइस, टू ऑल ऑफ यू ऑल एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। गाइस, आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का है गाइस, ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। ये जो शो है वो मॉर्निंग में आता है। शो 6 AM पे आता है गाइस, हमेशा आकर इसको आप देख सकते हैं इस सेशन को, और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये है गाइस। तो गाइज, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइज, यहाँ कि नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य का रहा है। तो गाइज, ऑप्शन आपको दिया गया है। तो गाइज, जो ऑप्शन है गाइज, इसका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइज। तो गाइज, यहाँ आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन, ये सूची में उत्तर प्रदेश जो है गाइज, वो सबसे क्या है, जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे क्या है गाइज, वो फर्स्ट स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर राजस्थान है गाइज, और जो कर्नाटक है गाइज वो तीसरे स्थान पर है। ये जो नीति आयोग जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, कौन सी साल में हुआ था, 16 और 17 के आंकड़ों को आधार पर ये मतलब कि सूचकांक तैयार किया गया है। और गाइज, यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि जो शिक्षा के मामले में ये जो राज्य है, मूल्यांकन शिक्षा के स्तर पर शिक्षा तक पहुँचा है, और शिक्षा में समानता और शिक्षा संबंधित आधारभूत ढांचे को सुविधाओं के आधार पर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं गाइज। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को UN चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियन ऑफ द थर्ड अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइज यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ कह रहा है क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और यहाँ देख रहे हैं गाइज, पुरस्कार प्रत्येक साल सरकार जो है प्रत्येक साल क्या करता है, सरकार जो है प्रत्येक साल इसको नागरिक और समाज और निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेताओं को ये दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नेताओं को दिया जाता है गाइज, किसको दिया जाता है, नेताओं को दिया जाता है। ये सकारात्मक प्रभाव उस पर है, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उल्लेखनीय है कि ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पहली बार 2017 में दिया गया था ये पुरस्कार। नेक्स्ट गाइज चलते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा हो कि भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, 20 हो जाएगा, 20 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं गाइज, यहाँ पर देखते हैं गाइज कि यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका क्या कहा है कि फेक न्यूज के खिलाफ इन देशों के कार्य कार्रवाई कर विश्वसनीय खबरों का प्रसार को बढ़ावा देने हेतु प्रति बद्धता जताई है। और यहाँ पर फेक न्यूज का प्रसार जो है विश्वभर के लिए चुनौती बनता जा रहा है। जो अधिक आप देख रहे हैं गाइज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अधिक फेक न्यूज दे रहे हैं, उसके लिए जो विश्व में एक क्या गुमराह किया जा रहा है गाइज, इस मतलब कि फेक न्यूज देकर गुमराह लोगों के किया जा रहा है। तो गाइज, इस पर क्या किया गया है, समझौता किया गया है, एक चुनौती बन रहा है गाइज, और चुनाव के समय इसके बड़े पैमाने और दुरुपयोग होता जा रहा है। और ये मलेशिया में गाइज, मलेशिया आप यहाँ देख रहे हैं कि मलेशिया में फेक न्यूज पर 85 लाख रुपीज तथा उनके साथ साथ जुर्माना 85 लाख, यहाँ देख रहे हैं कि 85 लाख रुपीज तक का जुर्माना और 6 साल का जेल भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है गाइज, तो मलेशिया में हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं गाइज। तो गाइज, यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो गाइज, ये कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है कहाँ,
तो गाइस ये कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कॉफ़ी दिवस? तो 1 अक्टूबर को, यानी कल, कल का जो दिन था आज था, तो कल का दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या? कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर के। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं गाइस यहाँ। तो गाइस यहाँ आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस एक ऐसा अवसर है जिसका प्रयोग कॉफ़ी के रूप में कॉफ़ी को बढ़ावा देने के लिए और मानने के लिए किया जाता है। दिन का प्रयोग उचित व्यापार कॉफ़ी को बढ़ावा देने के लिए और कॉफ़ी को उत्पादकता को दुर्दशा के लिए जागरूकता करने के लिए इसको क्या किया गया है ना, बढ़ावा देने के लिए और बढ़ाने हेतु किया गया है। पहली बार ये आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस पहली बार कब मनाया गया था गाइस? तो ये मनाया गया था 1 अक्टूबर 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि हाल ही में DRDO द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल और थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो गाइज ये कहाँ किया गया है आप देख सकते हैं, नागपुर यहाँ दिया गया है और पृथ्वी दिया गया है। तो ये कहाँ किया जाता है गाइज? तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्मोस किया गया है गाइज। कहाँ राइट आंसर ब्रह्मोस हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं गाइज। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है कि DRDO द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है और यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है और ये मिसाइल को 290 किलोमीटर की फुल स्ट्राइक रेंज तक दागा गया है और ब्रह्मोस एक मध्यम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक का क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी समुद्र और जहाज लड़ाकू विमान के लड़ाकू विमान एवं जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो गाइज यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? वृद्धजन दिवस, वृद्धजन दिवस का मतलब होता है वृद्धा जो जन होते हैं उनका दिवस कब मनाया जाता है गाइज? तो 1 अक्टूबर यानी कल ही का दिन मनाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइज, फटाफट वीडियो को नेक्स्ट करते हैं गाइज, बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। संयुक्त जो राष्ट्र की घोषणा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया। वो भी वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस का विषय है कि सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन और राइट्स और चैंपियन इस दिन की वृद्धजनों के मुद्दों एवं उनके स्वास्थ्य पर चिंतन किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेंज में चौथा गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कौन सी महिला है गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा महिला है गाइज? ये है फ्रेजर प्राइस। महिला क्या नाम है? फ्रेजर प्राइस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइज। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जमैका की फराटा धाविका और फ्रेजर प्राइस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10.71 सेकेंड के साथ 100 मीटर का खिताब जीता है और उनके जीता गया गोल्ड इसलिए भी अहम है कि वो जो महिला थी क्या थी, 32 वर्ष की उम्र की थी और वो 10 पॉइंट कुछ सेकेंड में वो क्या 100 मीटर की रेंज तय की थी और ये 2017 के बाद भी फिर वापसी की है। और गौरतलब है कि उसने वोल्ट अपने करियर के दौरान 100 मीटर फरहटा में कुल 11 गोल्ड मेडल जीते हैं।
स्कूल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइज, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष यानी 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि दुनिया के महत्वपूर्ण देशों संदेशों को भी सभी लोगों तक पहुंचाया जाए और उनके माध्यम तक पहुंचाया जाए, और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो क्योंकि यह विश्व शांति और विकास में अहम योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गाइज कि हाल ही में किस अमेरिकी फैशन रिटेलर कंपनी ने स्वयं को दिवालिया घोषित किया है? वो कौन कंपनी है गाइज स्वयं को दिवालिया घोषित किया है? फॉर एवर ट्वेंटी वन इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइज, यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिकी फैशन टेल कंपनी फॉर एवर 21 ने स्वयं को दिवालिया घोषित किया है, और इस घोषणा के तहत कंपनी के दुनिया भर में मौजूद अपने 178 स्टोर बंद करेगी। अब यह केवल अमेरिकी में मौजूद कुछ एक स्टोर की वैल्यू बढ़ाने के लिए फोकस करेगी, और ब्रांड की शुरुआत 1984 में हुई। नेक्स्ट गाइस चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो गाइस यही आपका लास्ट क्वेश्चंस था गाइस, और मैंने डेली मॉर्निंग शो में 10 क्वेश्चंस मॉर्निंग शो में डेली मैं करा रहा हूँ गाइज, आना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, शेयर कर ले गाइज, ताकि कोई भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।